सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। असफलता की राह से गुजरकर ही व्यक्ति को सफलता की मंजिल प्राप्त होती है। अगर पाना है सफलता तो मेहनत की आग में खुद को हर रोज तपाना होगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जो व्यक्ति खुद को तराशता है एक दिन दुनिया उसको तलाशती है। आज का पंचांग 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि दोपहर 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व शाड़ा नामक नक्षत्र सुबह 4:36 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तरा शाड़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:40 से 2:04 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार, आज आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप हर खूबसूरत चीज से प्रभावित होंगे। इससे आपका कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उसमें सौंदर्य बोध का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार ले सकती हैं। पूरे दिन हंसी मजाक वाले मूड में रहेंगे और इससे कार्यस्थल पर भी माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी और आपका मन आराधना योगा अभ्यास में लगेगा। मानसिक सुकून रहेगा। किसी खास काम की नींव रखने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पैसों को महत्व देकर लिए गए निर्णय की वजह से पछतावा हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। परिवार के लोगों का साथ महत्वपूर्ण है लेकिन उनकी बातों पर ध्यान दे। परिवार के खिलाफ कोई निर्णय न ले। काम के लिए बड़ा निवेश करेंगे। काम में डिसिप्लिन न रखने से नुकसान होने की संभावना है। रिलेशनशिप को आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। सर्दी बुखार के कारण तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखें। आज के दिन आपको अन्य राशियों के साथ मेलजोल करने का भी समय देगा। किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास और नए दोस्तों को बनाए यह आपके सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करेगा। सावधानियां, हर स्थिति में सहजता रखनी होगी। बाहरी लोगों के व्यक्तिगत चर्चा ना करें। मनोबल बनाकर रखें। पारिवारिक लोगों की तरफ से सहयोग में कुछ कमी आ सकती है। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा जिसके पीछे उसके तर्क भी अजीब होंगे। यह समय एक्सपेरिमेंट और कुछ रोमांचक कामों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है, आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपने अति गंभीर प्रवृत्ति को छोड़कर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। परिवारजनों के बीच आपसी सामंजस्य से घर में सुखद माहौल रहेगा। रोमांस और प्यार के मामलों में भी भाग्यशाली रहेंगी। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको अपना कठोर और मजाकिया दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंध स्थापित करें और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको समझना होगा कि चीजें कैसे कार्य कर रही है, बजाय कि आप अपना तरीका अपने सहकर्मियों पर थोपें। इस समय कार्यस्थल पर परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आपकी ईमानदारी और उचित कार्य प्रणाली अधिकारियों को पसंद आएगी। नौकरी पेशे महिलाओं को कोई खास अथॉरिटी भी मिलेगी। बात करती है सेहत की। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लापरवाही में न लें। शीघ्र ही इलाज करना जरूरी है। परंपरागत इलाज को प्राथमिकता पर रखें। त्वचा संबंधी छोटी छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजना बनाएं। तैली पदार्थों से दूर रहें। बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे पेड़ों वाली जगहों पर घूमने से बचें क्योंकि आपको कोई कीड़ा काट सकता है। इससे आपकी त्वचा पर दाने उभर जाएंगे। असावधानी के तौर पर एंटीक एलर्जिक दवा साथ रखें। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें। हो सके तो हरी मूंग का या हरे कपड़े का दान करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।